क्या आजादी से पहले आबादी वाली साजिश रची गई? क्या अलग पाकिस्तान के लिए साजिश के तहत बढ़ाई गई आबादी? राम मंदिर और धारा 370 के बाद क्या आरएसएस के टारगेट पर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट पर देश भर में बहस चल रही है। अब इस राष्ट्रीय बहस में आरएसएस ने जोरदार एंट्री मारी है। मौका था गुवाहाटी में एक किताब के विमोचन का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सरसंघ चालक मोहन भागवत। किताब नागरिकता को लेकर एनआरसी और सीएए पर छिड़ी बहस पर थी, तो विमोचन के बहाने भागवत को जनसंख्या पर अपनी बात रखने का मौका मिल गया। भागवत ने एक नई थ्योरी दी। उनके मुताबिक तो भारत से बड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए 1930 में ही सुनियोजित तरीके से जनसंख्या बढ़ाने की साजिश रची गई थी। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बीजेपी और हिंदुत्ववादी नेता तो अक्सर बयानबाजी करते ही रहते हैं, लेकिन शायद पहली बार आरएसएस के मुखिया की तरफ से इतना सीधा बयान सामने आया है कि मुसलमानों की आबादी साजिश के तहत बढ़ाई गई। भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि साजिश रचने वाले तो कुछ हद तक कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें पूरी कामयाबी नहीं मिली। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। यही नहीं, मोहन भागवत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजीर देते हुए आगाह किया कि जिस देश में जिस समुदाय की आबादी ज्यादा है वर्चस्व उसी का है, बाकी तो उनके रहमो करम पर हैं। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तान ही था। तो चार बार तो बहिर्गमन हुआ ही, जो अलग थे मेजॉरिटी से, जो अलग थे उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे, यही कारण। मोहन भागवत का बयान ऐसे मौके पर आया है जब कुछ ही दिन पहले 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-2030 का अनावरण किया है। जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। यूपी की नई जनसंख्या नीति पर बहस अभी चल ही रही है। इस बीच मोहन भागवत के इस बयान ने इस बहस को और भी गर्म कर दिया है। देखिए, मोहन भागवत साहब की तरफ से जो ये बयान दिया गया है वो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है, इसलिए कि जिस शख्स को इसकी हकीकत जाननी हो वो सेंसस रिपोर्ट देख सकता है। और सेंसस में इस बात को वाज तौर पर कहा गया है कि आज़ादी के बाद से मुसलसल जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनकी आबादियों में इजाफा हुआ है और मुसलमानों की आबादी में मुसलसल कमी आई है। इसलिए इस तरीके का झूठ फैलाना और लोगों में भ्रम का माहौल पैदा करना मुझे लगता है कि एक ज़िम्मेदार शख्स के लिए मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने वो कहा है जो इतिहास का तथ्य है। जनसंख्या की आबादी पर 1947 में पूरा सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब चला गया, आधा बंगाल चला गया।
यह विभाजन धर्म और जनसंख्या के आधार पर हुआ था, यह स्पष्ट है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर फिलहाल सियासत गर्म है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और तमाम सियासी दलों को उनका बयान रास नहीं आया है। जिस तरह से जनसंख्या को लेकर देश भर में बहस चल रही है, उससे लगता है कि जनसंख्या की समस्या आगे चलकर चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। लखनऊ से संतोष के साथ आज तक ब्यूरो।